बड़वानी से किसान आंदोलन में मेगा पाटकर के साथ क्षेत्र के किसान दिल्ली रवाना हुए थे। किसानों को रोके जाने का एनबीए ने विरोध करते हुए किसान बिल की प्रति जलाकर विरोध जताया। दिल्ली के रामलीला मैदान पर बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित होना था, जिसमें देश भर के किसान संगठन शामिल होकर लाखों की संख्या में किसान पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। इसी कड़ी में निमाड़ से मैधा पाटकर के साथ बड़ी संख्या में किसान भी दिल्ली गए थे, जिन्हें आगरा में ही रोक दिया गया, जिसका विरोध करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर करंजो चौक पर किसान बिल की प्रति जलाई। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मिलकर दिल्ली में कार्यक्रम रखा जिसमें 10 लाख किसानों का होने की संभावना थी और पूरा एक बड़ा कार्यक्रम था। उसको केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों की सरकार, जैसे निमाड़ घाटी से 100 लोग गए, सैकड़ों लोग गए थे, उनको रोका गया है बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर, आगरा नेशनल हाईवे पे। इसी प्रकार से पंजाब के किसानों को रोका जा रहा है, राजस्थान के किसानों को रोका जा रहा है, देश भर के सभी किसानों को रोका जा रहा है। तो उसके विरोध में आज कार्यक्रम किया गया था, और जो तीन बिल लाए अध्यादेश उसके विरोध में भी कार्यक्रम किया गया है और अपनी बात बुलंद करेंगे। सरकार उनको नहीं छोड़ती है तो हम बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अभी कारंजे पे क्या किया आप लोगों ने? अभी हमने जो तीन बिल आए हैं, कानून आए हैं किसानों के विरोध में, उन कानूनों को जलाया गया है। और जो मेधा पाटकर और बाकी साथियों को जो रोका जा रहा है, बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से गलत है, क्योंकि दिल्ली में जाना देना चाहिए उनको, और पहले उनकी गिरफ्तारी की गई थी, पिछले 18 घंटा से उनको रोक कर रखा गया है, उसके विरोध में कार्यक्रम किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।